हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआईओएस एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईओएस का क्लास 10 का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका चैप्टर का नाम है हाउ द स्क्वायर गॉट हिज स्ट्राइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ द स्क्वायर गॉट हिज स्ट्राइप्स। This story is one of the many stories referred to in the Ramayana. The story tries to find out the logic behind the stripes on the body of a squirrel. It also emphasizes the dignity of labor, the importance of feelings in participating in teamwork, and that even the smallest contribution is important in some way. तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे। एक स्टोरी है जो रामायण से लिया गया है, तो उसमें ये लॉजिक फाइंड आउट करेंगे कि जो स्क्वायरल है, गिलहरी है, उसके पीछे जो पट्टी है सादा रंग का, वो किस तरह आया और इम्पोर्टेंस पार्टिसिपेटिंग, जो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं टीम वर्क का, उसका इम्पोर्टेंस। तो शुरू करते हैं। Ram asked his army to build a bridge over the sea. Work began at once on a stone bridge. The monkeys pulled out rocks and heavy stones from the mountains and carried them to the sea. They cut them into piece shapes and began to build the bridge. All this was very difficult work and it took a long time. Thousands of monkeys work night and day. Rama felt happy. How hard they work. Their love for me makes them work like this, thought Rama. Ram ने अपने आर्मी से बोला कि एक ब्रिज बनाने, एक नदी था, सी था, उसके ब्रिज बनाने को बोला, तो सब एक बार में काम शुरू हो गया। उसके मंकीज ने बड़े बड़े पत्थरों माउंटेन से, पहाड़ों से लाकर नदी में लगाने लगे, उसको शेप में काटे और ब्रिज बनाना शुरू किया। ये सब बहुत डिफिकल्ट काम था, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन और ये बहुत लंबा टाइम लिया, बहुत देर लगा इसको बनाने में। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हजारों बंदर दिन रात काम किए। रामा ये देख कर बहुत खुश हुआ कि कितना वो काम कर रहे हैं मेरे लिए, मेरा प्यार उन लोग का दिल में है जो ये काम करवा रहा है उन लोग से, रामा ने ये सोचा। वन डे रामा saw a small brown squirrel. He was going up and down the seashore with little pebbles in his mouth. The little squirrel could carry only little pebbles at a time in his small mouth. He carried the pebbles from the seashore and dropped them into the sea. A great monkey was carrying a large heavy stone on his back, and the squirrel came in his way and the monkey jumped back. एक दिन रामा ने देखा कि छोटा सा ब्राउन कलर का मिट्टी रंग का एक स्क्वायरल जब गिलहरी आ रहा था, उसको देखा, वो अपना मुंह में छोटा सा कंकड़ लेके वो नदी में डाल रहा था। वो भी रामा का मदद कर रहा था ब्रिज बनाने में, तो वो एक बार में एक ही कंकड़ ले सकता था अपना मुंह में, क्योंकि वो छोटा है। और उस जब वो डाल के वापस जा रहा था नदी में, जब वो कंकड़ डाला, तो उसके सामने एक बड़ा सा बंदर आया और वो बहुत बड़ा सा पत्थर उठाए हुए था अपना पीठ पर, और वो उसका रास्ते में आ गया, उसका रास्ता में आ गया गिलहरी। तो मंकी पीछे हटा, तो मंकी ने बोला, हेयर यू लिटिल थिंग, शाउटेड द मंकी इन अ वॉइस लाइक थंडर, यू आर इन माय वे, आई स्टेप बैक एंड यू आर अलाइव नाउ, बट आई नियरली फेल्ड, एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो बंदर ने एकदम गुस्सा में, एकदम बिजली के आवाज की तरह बोला, ए तुम छोटे से सामान, मतलब कि छोटे से क्रिएचर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तुम मेरे रास्ते में थे, हम पीछे हट गए, इसलिए तुम अभी जिंदा हो। हम गिरने ही वाले थे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? द लिटिल स्क्वायर लुक अप एट द ग्रेट मंकी। तो वो जो गिलहरी था वो ऊपर देखा, वो तो बहुत बड़ा था, तो वो देखा मंकी को। आई एम सॉरी यू नियरली फेल्ड फॉर द मंकी, ही सेड इन हिज स्मॉल वॉइस, बट प्लीज ऑलवेज लुक वेर यू आर गोइंग। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर हिम। तो गिलहरी ने बोला कि मैं माफी चाहता हूँ, आप गिरने वाले थे बंदर भाईजान। वो अपने आस्ते से वॉइस में बोला, आस्ते से आवाज में बोला, बंदर चिल्ला के बोला था लेकिन ये आस्ते बोला, बट लेकिन आपको देख के चलना चाहिए। मैं भी रामा का मदद कर रहा हूँ ब्रिज बनाने में, और हमको हम चाहते कि हम ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करें रामा के लिए। यू वॉट शाउटेड द मंकी एंड लाफ्ड अलाउड। डिड यू हियर दैट ही सेड टू द अदर मंकीज, द स्क्वायरल इज बिल्डिंग अ ब्रिज विथ हिज पेबल्स। ओह डियर I have never heard a funniest story, the other monkeys laugh too. तो बंदर ने बोला, क्या तुम? वो चिल्ला के बोला और हंसने लगा जोर जोर से। Did you hear that? तुम लोग सुने? वो अपने दूसरे बंदर से बोला कि तुम लोग सुने ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि ये ब्रिज बनाएगा अपना छोटा कंकरियों से। बोला कि हम इससे फनीस्ट थिंग, इससे मजाकिया समान कुछ स्टोरी सुने नहीं है इससे पहले। और दूसरा बंदर लोग भी हंसने लगा। द स्क्वायरल डिड नॉट थिंक दिस फनी एट ऑल। ही सेड लुक आई कांट कैरी माउंटेन्स और रॉक्स, गॉड गेव मी ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ, आई कैन ओनली कैरी पेबल्स, माई हार्ट carries out for Rama and I will do all I can for him. तो गिलहरी को ये कुछ मजाकिया नहीं लगा। वो बोला कि देखो, मैं पहाड़ या फिर बड़े बड़े पत्थर को तो उठा नहीं सकता, लेकिन जो उसके भगवान ने दिया है मुझे, वो जितना ताकत दिया मैं उतना ही कर रहा हूँ। जितना ताकत दिया उससे मैं सिर्फ कंकड़ियाँ ही उठा सकता हूँ, और मेरे दिल में रामा के लिए जो है मैं कर रहा हूँ, रामा का मदद कर रहा हूँ। द मंकी सेड डोंट बी फुलिश, डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा, डू यू थिंक यू वी कैन बिल्ड अ ब्रिज विथ पेबल्स, ही हैज अ बिग आर्मी टू हेल्प हिम, गो होम एंड डोंट गेट इन आवर वे। तो मंकी ने बोला, बंदर ने बोला कि ज्यादा बेवकूफ मत बनो, क्या तुमको लगता है कि तुम रामा का हेल्प कर सकते हो? क्या तुमको लगता है कि तुम अपने ये कंकड़ियां से ब्रिज बना सकते हो? तो उसके रामा के पास बहुत सारे बंदर है, उसके पास आर्मी है उसको हेल्प करने के लिए। तुम यहाँ से जाओ, अपना घर जाओ, और हम लोग के रास्ते में, हम लोग के बीच में मत आओ। बट आई वॉन्टेड टू हेल्प टू, सेड स्क्वायरल एंड वुड नॉट गो। तो गिलहरी ने कहा, लेकिन हमको भी मदद करना है, और वो घर नहीं गया। He carried the bubbles again from the shore to the sea. The monkeys were angry and one of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away. तो गिलहरी ने फिर से अपने मुंह में कंकड़ियां डाला और वो नदी में डालने लगा, लेकिन जो बंदर था वो उस पर गुस्सा था, और एक बंदर ने तो उसे उठाया अपने पूंछ से और उसको फेंक दिया दूर, उसको फेंक दिया। तो द स्क्वायरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ रामा फेल्ट इनटू हिज हैंड। द फिर गिलहरी कानने लगा रामा के नाम पे, और वो उस रामा के हाथ में जाके गिरा। Then Rama held the squirrel close to him. He said to the monkeys, "Do not make fun of the weak and small,
And the small your strength or what you do is not important. What matters is your love. The little squirrel has love in his heart. तो रामा ने अपने आर्मी से कहा, बंदरों से कहा कि इसका मजाक मत उड़ाओ, ये क्योंकि ये कमजोर है और छोटा है, इसका मजाक मत उड़ाओ, ये तुम्हारा ताकत ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैटर ये करता है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए मोहब्बत कितना है। तो ये इस गिलहरी के अंदर मेरे लिए मोहब्बत है, इसके दिल में मेरे लिए प्यार है। He then held the squirrel closer to him and said, "Little one, your love touches my heart." He said these words and passed his finger gently over the little squirrel's back. And when he put him down, there were three white stripes on his back. These were the marks of Lord Rama's finger. So, रामा ने गिलहरियों से कहा कि तुम छोटे हो तो क्या हुआ, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मोहब्बत मेरा दिल को छू लिया। तो रामा ने ये कहा और अपने हाथों से उसका, अपने उंगलियों से उसका पेट को सहलाया और उसको नीचे रखा। तो नीचे रखा तो वहां पर तीन स्ट्राइप, तीन पट्टियां थी उसके पीछे, गिलहरी के पीछे। तो वही जो स्ट्राइप्स थे, वही जो थे, वही रामा के फिंगर के निशानियां थे, वही पट्टियां कैसे आई है, वही ये लॉजिक है। फ्रॉम देन ऑन द स्क्विरल कैरीज द थ्री वाइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बैक। तब से गिलहरियों के पीछे तीन ठो वाइट कलर का सादा रंग का तीर आता है, व्हाइट रंग का छापर आता है। ये देखिए, ये जो है इसी के बारे में बात हो रहा है, रुकिए एक मिनट। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।